अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया से मैं हूं सैयद आयशा नाज। यहां वक्त हुआ है दुनिया हेडलाइंस का। बरतानवी डॉक्टर्स का परवेज मुशर्रफ को इलाज के लिए आइंदा हफ्ते तक लंदन आने का मशवरा। साबिक सदर के अहले खाना और मेडिकल बोर्ड अदालती हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर करेंगे। परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस, खुसूसी अदालत की कार्रवाई पर जाब्ता फौजदारी के इतलाक से मुतालिक फैसला जुमे को सुनाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में खुसूसी अदालत का कयाम चैलेंज कर दिया गया। पंजाब में 13 मार्च और सिंध में 23 फरवरी को बलदियाती इंतखाबात कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में बयान। पिशावर में फायरिंग के वाकयात में पुलिस अहलकार जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। चमकनी से 2 नौजवानों की लाशें मिली हैं। इस्लामाबाद में बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई, 2 मुसाफिर जाम बहक, 15 जख्मी हो गए। पंजाब हुकूमत ने बसंत मनाने के लिए कानून साजी का फैसला कर लिया। डोर की बाकायदा मुआयने के बाद फरोख्त की इजाजत होगी। क्वेटा में बर्फबारी, शहरियों की मौज मस्ती। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची समेत कई शहरों में बारिश से सर्द मौसम का हुस्न बढ़ गया। सफारतकार की गिरफ्तारी पर भारत ने अमरीकी सफारतखाने को 16 जनवरी तक कारोबारी सरगर्मियां बंद करने की हिदायत कर दी। और दुबई टेस्ट में पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग, बल्लेबाजों की श्रीलंका के खिलाफ विकेट पर जमे रहने की कोशिश।